कंगना रनौत के निशाने पर आए मुंबई पुलिस कमिश्नर, कहा मेरे खिलाफ क्राइम को दे रहे हैं बढ़ावा। आइए जानते हैं आखिर पूरे मामले के बारे में क्या है इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूं आपका बिग हेडलाइंस पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत लगातार फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों पर सनसनीखेज आरोप लगाती जा रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से कंगना और ज्यादा मुखर होकर बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा उठा रही हैं। इसी बीच अब कंगना के निशाने पर है मुंबई पुलिस के कमिश्नर। कंगना का आरोप है कि मुंबई पुलिस उनके खिलाफ क्राइम का बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि लगातार बेहद ही बड़े घटनाओं का अवसर हो सकता है। मंगलवार को कंगना ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मुंबई पुलिस पर जबरदस्त हमला बोलते हुए लिखा है कि इस समय पुलिस अब तक की सबसे बुरी स्थिति में है। कंगना ने दावा किया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ऐसे अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक कर रहे हैं जो सुशांत को न्याय दिलाने की आवाज उठाने वाले लोगों के खिलाफ लिखे गए हैं। कंगना ने इस ट्वीट में अपनी सुरक्षा पर भी सवाल उठाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है और उन्होंने लिखा है, जब मुंबई पुलिस के कमिश्नर इस तरह मुझे धमका रहे हैं, मुझे डराने और मेरे खिलाफ क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या मैं मुंबई में सुरक्षित रहूंगी? मेरी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा? बता दें कि इससे पहले कंगना ने बॉलीवुड में मूवी माफिया और पार्टीज में ड्रग्स के बढ़ावे को लेकर कई बड़े बड़े दावे कर चुकी हैं और अपनी बात भी कई खुलासे कर चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग एंगल निकलने के बाद से कंगना ने दावा किया था कि बॉलीवुड के पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है और इसके लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कुछ बड़े लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे बयानबाजी के बाद से कंगना रनौत अभी काफी डरी हुई है और उनका साफ तौर पर यह कहना है और उन्होंने पीएम मोदी तक को आग्रह किया है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए क्योंकि उन्हें उनकी जान का खतरा है। आप भी बताएं कि आपकी क्या राय है कंगना रनौत के इस ऐसे स्टेटमेंट्स को लेकर। और तमाम बॉलीवुड खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।